गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 60 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 25 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें आज हमें पढ़ना है जो हमारी जो स्टार्स हैं वो क्यों चमकते हैं, जो क्लाउड्स हैं वो वाइट क्यों दिखते हैं। तो ये चीज़ों इन चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन क्या होता है। ये सब एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, स्टार्स क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रेक्शन होता है वो क्या होता है, जो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उन लेयर्स की वजह से क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है उन लेयर्स की वजह से। तो वो जो रिफ्रेक्शन होता है उन लेयर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में, वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन तो आपको पता ही है, जैसे क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। तो ये लेयर और ये लेयर, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इस लेयर में डिफरेंस है क्योंकि आपको पता है यहाँ जो भी हमारी जो ग्राउंड है, ग्राउंड से लेके ऊपर स्पेस तक हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पर गैसेस होती हैं, यहाँ पर बहुत कम गैसेस होती है। उसके बाद जो एयर है वहाँ पे डेंस होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कम होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से रिफ्रेक्शन होता है। क्योंकि जैसे मीडियम चेंज होता है एयर से वाटर में जाता है, उसी तरीके से जब लेयर चेंज होती है तब भी क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है। जो लाइट है वो क्या होती है, बेंड होती है। तो इसी वजह से, इसी फिनोमेना से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स से वो क्यों चमकते हैं, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार लाइट की जो लाइट होती है उसका रिफ्रेक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, वो टकरा के बेंड होके हमारे हमें आंखों में चमकती दिखाई देती है। जो स्टार लाइट है ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही स्टार लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उसमें बहुत सारे रिफ्रेक्शन होते हैं। अंडरगोज रिफ्रेक्शन कॉन्टीन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। वो रिफ्रेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जाती है जब तक वो अर्थ तक नहीं पहुँचती, ठीक है, तब तक वो ऐसे ही बैंड होकर रिफ्रेक्शन होकर हमें दिखती रहती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोसफेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम आउटसाइड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अर्थ के एटमोसफेयर का, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम आउटसाइड हाई एल्टीट्यूड टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सर्फेस पे आते आते वो क्या होता है, इंक्रीज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो लाइट है स्टार से जो आ रही है, जब वो एटमोसफेयर में एंटर करती है वो बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया लेयर्स में, जैसे जैसे अगली लेयर में जाएगी वो बेंड हो जाएगी क्योंकि रिफ्रेक्शन होगा। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी, जो एटमॉस्फेयर वो बेंड कर देता है उस लाइट को नॉर्मल की तरफ, क्योंकि जो मीडियम है एयर वो ग्रेजुअली किस में चेंज हो जाता है, रेयरर टू डेंसर, हल्की से डेंसर। रेयरर मतलब जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। तो जिसकी वजह से द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार, जिसकी वजह से जो पोजिशन है स्टार की वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर दिखाई देती है, लिटिल हायर देन एक्चुअल पोजीशन। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ा ऊपर हमें स्टार दिखाई देता है। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जो हमारी रिफ्रेक्शन की वजह से बेंड हो जाती है लाइट। तो जो एयर है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो स्टैटिक नहीं रहती, स्टैटिक स्टेट में नहीं रहती, सेम में नहीं रहती, वो डायनामिक है, चेंज होती है। क्योंकि जो ब्रीज है वो हमेशा ब्लोइंग, जो हवा है वो चलती रहती है, ठीक है, हर एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, कुछ ना कुछ हाइट पे, जैसे अभी कुछ हाइट पे वो कम ब्लो कर रही है, ठीक है, कम चल रही है, थोड़ा ऊपर जाएंगे ज़्यादा चल रही है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं हवा में, कभी तेज़ हो जाती है हवा, कभी कम हो जाती है। तो वो डायनामिक होती है, ठीक है, जिसमें चेंज होती रहती है वो। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो डेंसिटी है एयर की वो भी चेंज होगी, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा बह रही है, ठीक है, हवा है वो चल रही है, तो वो थोड़ी कम ज़्यादा, थोड़ी कम डेंस होगी। तो ये जो डेंसिटी है एयर की वो चेंज होती रहती है डिफरेंट लेवल्स पे एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट है स्टार्स की वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शन में। और जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रहा है कीप्स ऑन चेंजिंग, वो भी बदलता रहता है। तो जो फ्लिकरिंग है स्टार्स की वो किस वजह से होती है, ड्यू टू अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ स्टार, क्योंकि जो पोजीशन है स्टार की वो भी हमें क्या दिखती है, अलग दिखती है, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है। तो जो शिफ्ट होती है पोजीशन ऑफ स्टार उसकी वजह से। और दूसरा, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर, जो लाइट का अमाउंट है वो चेंज रहे होता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है लाइट का अमाउंट, इसी वजह से हमें वो चमकता दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दो रीजंस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों हमें चमकते नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो कंपैरेटिवली अर्थ के पास होते हैं, स्टार्स ज़्यादा दूर होते हैं, प्लैनेट्स पास होते हैं अर्थ के,
ठीक है, तो जो एवरेज अमाउंट है लाइट का जो प्लैनेट से आ रहा है वो ज़्यादातर सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टार के केस में तो क्या होता है, लाइट वो चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा दिखती है कभी कम दिखती है, इसलिए हमें वो चमकता दिखाई देता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स की जो एवरेज अमाउंट है लाइट का वो अर्थ पर सेम ही होता है, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं वो हमसे जितने ज़्यादा स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम्स भी आप देख सकते हो, ये डायग्राम अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का तो ये डायग्राम भी आप बना देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ये आप इसको देख रहे हो, ये स्टार है, ये अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है, होगा यहाँ पे, दिखेगा यहाँ पे। आप देखो जैसे जैसे नीचे जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये डायग्राम्स भी आप बना के आ सकते हो पेपर में, डायग्राम्स मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप डायग्राम बनाते हो तो, किसी चीज़ में, जिस भी चीज़ में पॉसिबल हो आप डायग्राम बना के समझाओ अच्छे से, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट, अर्ली राइज लेट सनसेट। जैसे जो सन है वो राइज करता है जल्दी, लेकिन सनसेट होता है लेट होता है। ये जो सनसेट का फंडा है वो क्यों होता है, देखो, सिमिलर टू द अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्टार, जिस तरीके से जो स्टार की पोजीशन में शिफ्ट होता है, ट्राई टू एक्सप्लेन वाई सनराइज अकर्स अ लिटल अर्ली। इसी तरीके से आपको ये आपका वर्क है, आपकी एक्टिविटी है, आपको पता लगाना है कि जो सनराइज़ है वो हमें इतना अर्ली क्यों दिखता है देन एक्चुअल सनराइज़। सनराइज़ होने से पहले ही वो हमें दिखने लग जाता है, एंड सनसेट अकर्स अ लिटल लेट देन एक्चुअल सनसेट। जब सनसेट होता है तो वो थोड़ा लेट दिखता है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि अभी जैसे मैं हमारा सनलाइट का जो हमने अभी फंडा पढ़ा, जो स्टार का फंडा हमने देखा था कि जो लाइट है वो हमारी आँखों तक डिफरेंट वेज में पहुँचती है ना, मतलब कम ज़्यादा पहुँचती है, जो शिफ्ट अपेरेंट शिफ्ट होती है कि भाई वो पोजीशन जो अलग दिखती है हमें, है ना, जो एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की उससे अलग हमें ऊपर उससे स्टार दिखता है। इसी तरीके से सनसेट भी हमें पहले दिखता है, ठीक है। अब देखो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट पास करती है एक कोलॉइड से, इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, तो उसका जो पाथ है वो हमें दिखाई देता है, विजिबल होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या टिंडल इफेक्ट है, जहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है वहाँ से लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो ये एक पाथ बना लेती है अपना जो कि हम विजिबल हम देख सकते हैं, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो लिखोगे व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइड, जब एक लाइट है वो कोलॉइड से पास होती है तो वो उसका पाथ विजिबल होता है, ठीक है, इसका पाथ है विजिबल होता है, तो इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में कोलॉइड पार्टिकल्स की वजह से, इसीलिए वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। कोलॉइड पार्टिकल्स क्या से होते हैं, जैसे आपको वो मतलब मिक्स नहीं होते, ठीक है, कोलॉइड की फॉर्म में रहते हैं, मिक्स नहीं होते टोटली, जैसे चीनी है नमक है वो पूरा मिक्स हो जाता है आपकी पानी में या दूध में, लेकिन कोलॉइड क्या होता है वो मिक्स नहीं हो पाता। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो क्यों होती है, जो स्प्रेडिंग लाइट है जो वो स्प्रेड होती है सारे डायरेक्शंस में कोलॉइड पार्टिकल्स, क्योंकि उनसे टकरा के वो वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो लाइट है वो क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। अब जो स्कैटरिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, जो साइज़ है पार्टिकल का उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो जिस पार्टिकल से वो टकरा के आ रही है उस पार्टिकल का साइज़ क्या है। तो वेवलेंथ ऑफ लेंथ का मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि क्या फंडा होता है, कि जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, जैसे रेड है, रेड कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, वॉयलेंट कलर हमें सबसे कम दिखता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वेवलेंथ है किसकी, ठीक है। तो अब देखो ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, आसमान है हमें ब्लू क्यों दिखता है, तो देखो जो अपर एटमोसफेयर है अर्थ का, जो अपर एटमॉस्फेयर अर्थ का उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस होती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं, तो जो ये पार्टिकल्स हैं इनके स्मॉल साइज़ की वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव है स्कैटरिंग लाइट की, जो लाइट है उसको स्कैटर करने में, ठीक है, ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिन कलर्स की या जिन लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर है उनको स्कैटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, अब इतने बड़े तो है नहीं है कि जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसको स्कैटर कर पाएंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो कम वेवलेंथ वाले को ही स्कैटर कर पाते हैं। तो जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो भी कम होती है, शॉर्ट होती है, इसकी वजह से ब्लू को ये स्कैटर करते हैं और ब्लू हमें आसमान में दिखाई देता है, ठीक है। तो मेनली जो ब्लू है, आउट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ सनलाइट मेनली ब्लू रीचेज आवर आईज एंड स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस, तो इसीलिए जो ब्लू कलर है वो हमारे आंखों तक पहुंचता है और जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है समझ में आ गया, फिर से सुन लो, उसमें बता देती हूँ ब्रीफली एक लाइन में, कि जो
ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है, और हमें पता है कि जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हवा में, तो वो जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है उसी को स्कैटर कर पाते हैं। तो ब्लू की शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है पूरे आसमान में, और हमें ब्लू कलर ही हमारी आंखों तक दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो कलर है सन का वो रेड क्यों दिखाई देता है? तो देखो सबसे पहले ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारी अर्थ है। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जेस्ट डिस्टेंस। सनराइज और सनसेट के टाइम पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। देखो जो सन है वो होरिजन के मतलब एक फिक्स है, ये ओरिजन है, ये ऊपर दिखेगा इस ओरिजन से, और जब ढल जाएगा तो इसके नीचे हो जाएगा, यही चीज़ होती है। तो जहाँ से वो हमें दिखना शुरू करता है या सनसेट होता है सनराइज होता है उसको हम होरिजन मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो सनलाइट है उसको लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एटमोसफेयर में। एज द पाथ इज़ लॉन्गर द टोटल अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड ब्लू लाइट इज मोर एंड रेड इज लेस। जो एटमोसफेयर में तो जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, रेड लाइट है वो कम स्कैटर होती है। ठीक है, जो हमारा सन है सन की लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है एटमोसफेयर में। तो जो रेड लाइट है वो हमारी आइज में ज़्यादा पहुँचता है, क्योंकि इसी वजह से जो सन है वो हमें रेड दिखाई देता है। यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। दोपहर के टाइम पे ड्यूरिंग द नून सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस। अब दोपहर के टाइम पे सूरज पूरा निकल गया होता है तो वो आसमान में ऊपर होता है, तो यहाँ पे जो लाइट है उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ना, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, तो इसको जो लाइट है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो दिन के टाइम में तो हमें पता है कि जो लाइट है वो स्कैटर होती है, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है, तो आसमान ब्लू दिखाई देता है और हमें रेडिशनेस नहीं दिखाई देती स्काई में। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ईजिली वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर लेता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा मिलता है स्कैटरिंग का। अब यहाँ पे अगर जब वो होरिजन से नीचे आता है, अब नीचे मान लीजिए वो ये है रेड, यहाँ जब वो आ जाता है, अभी तो ऊपर है, जब वो ढलता है इस यहाँ पर आ जाता है, जब वो ये आपको रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सनलाइट है उसको लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इस तरीके से लार्जर डिस्टेंस हैव टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस, यहाँ पे इस तरीके से जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ जो एटमोस्फेयरिक आपको मैंने बताया था, एटमोसफेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, जितनी भी स्कैटरिंग है आपस में टकरा के जो कलर्स हैं वो टकरा के एक दूसरे से, मतलब कौन सा कलर बाहर हमें दिखाई दे रहा है, कलर्स तो सारे होते हैं, सारे के सारे कलर्स होते हैं, लेकिन दिखता कौन सा ज़्यादा कम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट उस टाइम पर स्कैटर हो रही है। तो नून के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर जो डिस्टेंस जो सन होता है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, अर्थ से ज़्यादा दूर होता है, तो पूरा जो हमारा जो लाइट है वो ब्लू ज़्यादा स्कैटर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है तो यहाँ पे रेड लाइट क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर होती है, मतलब रेड लाइट है वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, हमारी आंखों तक रेड लाइट पहुँचती है। तो ये रीजंस हो गए हमारे सनराइज और सनसेट के रेड कलर के। अब देखो आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपके चार आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें करने हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, द रेड लाइट स्कैटर्स, जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्कैटर करती है, लीस्ट स्कैटर करती है, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर। इसीलिए जो साइन बोर्ड है वो रेड कलर के होते हैं। अभी अभी मैंने आपको सनसेट के केस में भी बताया कि जो ब्लू है वो ज़्यादा स्कैटर करता है, तो इसलिए हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है, जो रेड है वो सबसे कम स्कैटर करता है। तो यहाँ पे मतलब जो फैलता कम है, तो जब वो फैलेगा कम आपको एक जगह सिर्फ रेड कलर दिखेगा तो आप वो ज़्यादा ईजिली देख पाओगे, तो रेड कलर है वो कम स्कैटर करता है, इसीलिए हमें जो बोर्ड है साइन बोर्ड है या ट्रैफिक लाइट में भी हम रेड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के दो एग्जांपल्स देखने। तो देखो ये तो पहला आपका हो गया क्वेश्चन, जो रेड लाइट है स्कैटर्ड द लीस्ट, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर रेड कलर, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट, जो एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट के क्या है, पहला एग्जाम्पल है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट अ ग्लास ऑफ मिल्क द लाइट इज स्कैटर्ड। जब बीम ऑफ लाइट, हम जो दूध का ग्लास होता है उसके अंदर हम लाइट मारते हैं तो वो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से। दूसरा एग्जांपल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, हवा में जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से भी जो लाइट है वो स्कैटर होती है, ये भी क्या है, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो ये हो गई दो एग्जाम्पल्स टिंडल इफेक्ट की। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट, क्यों वाइट दिखते हैं, तो लिखोगे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और जो आइस क्रिस्टल्स हैं क्लाउड्स के अंदर
उनका साइज बिल्कुल सही है सारे कलर्स को स्कैटर करने के लिए, लाइट के सारे कलर्स को स्कैटर करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें एयर के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है उनका, ठीक है। तो जो स्कैटर करता है ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली, इसकी वजह से जो वो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट को स्कैटर करता है, ब्लू लाइट को। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो क्या करेगा, ब्लू लाइट्स को स्कैटर करेगा, लेकिन ये जो होते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं इनका जो साइज़ है वो सही होता है, इसलिए ये सारी लाइट को कलर्स हैं उनको स्कैटर कर सकते हैं। तो जो लाइट है उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं ये हमें पता है, तो हम उनको सारे कलर्स को एक साथ, जो वाइट होता है वो मिक्सचर होता है सारे कलर्स का, तो सारे कलर्स के होते हैं लाइट, तो हमें वो वाइट दिखती है, क्योंकि जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वेवलेंथ को, सारी वेवलेंथ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारे कलर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सारे कलर्स को मिला के हमें वाइट कलर दिखता है, ठीक है। तो जो क्लाउड्स है इसलिए हमें वाइट दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4th पे, लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन है, जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर, जब वो अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करती है बहुत सारे रिफ्रैक्शन के थ्रू वो गुजरती है कॉन्टिन्यूसली जब तक वो अर्थ पे पहुंच ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में या 4 क्वेश्चंस में तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।